सो हेलो मेरी पब्लिक, सो गाइस आ गए सारे। सो गाइस मेरे प्रो और नूब्रो बंदो, आज इस वीडियो में हम करेंगे दिवाली का फोटो एडिटिंग। सो गाइस बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखो। एंड गाइस इसमें हम जितने भी हम इस फोटो में हम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे, PNG यूज़ करेंगे, वो सारा आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी आसानी से। तो इसके लिए तो लाइक बनता है। एंड गाइस चैनल पे बंदे तुम नए लगते हो तो ये सब्सक्राइब करो, कर क्या रहे हो। एंड गाइस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलते हैं हम वीडियो की ओर एंड एंजॉय इट वीडियो। सो गाइस ये रहा हमारा बैकग्राउंड, इसको सबसे पहले हम करेंगे पिक्सआर्ट में शेयर। ये रहा हमारा पिक्सआर्ट, इसको हम करेंगे सेंड इसमें, एंड पिक्सआर्ट में आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड। एंड इसको हम ड्रॉ टूल में कर लेंगे ओपन। एंड गाइस यहाँ ओपन होने के बाद हम इसमें अपने लेयर को करेंगे नीचे, एंड इसमें अपना फ़ोटो को करेंगे ऐड, जो बैकग्राउंड का ही पार्ट है, जो ये रहा इसको करेंगे हम ऐड। यहाँ से टिक मारेंगे एंड ये आ गया हमारा बैकग्राउंड के अंदर। एंड इसको कर लेंगे साइज का हम बड़ा, जो कि परफेक्ट ऐड हो जाए। ये हो गया। एंड एक MPT लेयर बनाएंगे एंड इसको करेंगे हम यहाँ से फोटो को ऐड, एंड इसको यहाँ से कर लेते हैं ऐड। यहाँ पे हमारा मॉडल अच्छे तरीके से ऐड हो जाना चाहिए, परफेक्ट तरीके से ये हो गया ऐड। एंड यहाँ से MPT लेयर लेंगे एंड इसको हम करेंगे बैकग्राउंड के नीचे, एंड इसमें अपना एक और बैकग्राउंड को करेंगे हम ऐड, जो ये लाइट का, इसको हम करेंगे यहाँ से ऐड। एंड ये खाली पार्ट जो बचा हो उसको झांकने के लिए, मतलब अंदर से ढक जाए, तो ये हो गया। एंड इसका हम को सबसे नीचे कर रखेंगे एंड इसका कलर को कर लेंगे ब्लैक, टिक मार के इस लाइट वाले PNG को हम कर लेंगे स्क्रीन में, ताकि हमारा आगे का मतलब बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखे। एंड यहाँ से इसका हम साइज़ को ले लेंगे इरेजर में जाकर, एंड हार्डनेस पूरा कर लेंगे कम, एंड साइज़ एंड ओपेसिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये हो गया। एंड ऊपर वाला को भी थोड़ा मिटा लेते हैं। इनका स्पीड MPEG ले लेंगे, फिर इसमें फोटो एक और ऐड करेंगे। ये वाला फोटो करेंगे ऐड, जो हमारा PNG लगा इसको करेंगे स्क्रीन, एंड इसको मॉडल के आगे ही रखेंगे हम, ताकि लगे कि हम भी दिवाली में हैं, इसीलिए इसको मॉडल के आगे रखेंगे। ये लगा कि रॉकेट का है। एंड फिर MPT ले लेंगे, फिर इसमें भी करेंगे एक और PNG बैकग्राउंड को ऐड, ये वाला, यहाँ से टिक मारेंगे एंड यहाँ स्क्रीन करेंगे इसको, एंड बैकग्राउंड को ऊपर में रखेंगे एंड इसका साइज को बढ़ा लेंगे एंड अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे। एंड इसको हम कर लेते हैं मॉडल के नीचे, ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें कुछ और भी ऐड कर लेंगे हम, यहाँ से हम एक और MPEG ले लेके एक और चीज़ ऐड करेंगे, जो रहा ये वाला बलून, क्या पता नहीं क्या बोलते इसको, बट बलून वाला, इसको स्क्रीन करके हम यहाँ से यहाँ पे हम करेंगे ऐड, साइज को छोटा करके, ताकि लगे दूर में उड़ रहा है। ये हमारा फोटो हो गया तैयार, इसको यहाँ से करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने गैलरी में। गैलरी में आने के बाद हम अपने फोटो को करेंगे यहाँ से ओपन, एंड यहाँ से इसको करेंगे लाइट रूम में ऐड, एंड ये हो गया। एंड ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल पे जाके हम अपने लाइट रूम ऐप को करेंगे ओपन, एंड उसमें अपने इस फोटो को, ये रहा गया हमारा फोटो। एंड ये वाला प्रीसेट है, आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बट आपका जो मर्जी होगा वो कलर को आप
कलर क्रिएशन कर सकते हो। एंड गाइस इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी आए हैं जो आप इसमें, एक है बता देते हैं, यहाँ नहीं, एक तो लगता है कलर वाले में है और एक शेयर वाले में, जहाँ पे अपना वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज वगैरह करके अपना लोगो लगा सकते हैं। एक एक हमारे लोगो वहाँ पे है, यहाँ पे लोगो को एंड यहाँ से बैक एंड यहाँ से कर लेंगे सेव। अगर वीडियो अच्छा लगी हो गई तो यार वीडियो को करो लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी फोटो आई है। तो गाइस हम मिलेंगे अगली वीडियो में, सो बाय।